मैं डॉक्टर मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज जहां हमने पिछली बार अपना संवाद खत्म किया था, उसी के आगे कड़ी में मैं अपनी वार्तालाप प्रारंभ करूंगा। आज पिछले लेक्चर में मैंने अकबर को विषय पर वार्ता की थी, और आज हम लोग जहांगीर से प्रारंभ करते हैं, नए बादशाह जहांगीर से। जहांगीर का जो शासन पीरियड है वो 1605 से 1627 के बीच का पीरियड है उसका। जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था कि उसके बचपन का नाम सलीम था, और सलीम नाम अकबर ने इसलिए रखा था क्योंकि उसको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में गए थे, वहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी थी और उनके ही आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम उन्होंने प्यार से सलीम रखा और घर में अकबर उसको प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाया करते थे। और यही शेखू बाबा आगे जा कर के हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जहांगीर के तौर पर गति पर बैठता है। ये भी काफी हद तक जो है अकबर की तरह उदार प्रवृत्ति का था, और उसकी जो शिक्षा दीक्षा जो लालन पालन जो हुआ था उसमें काफी बड़ा जो रोल था वो अब्दुल रहीम खान खाना का था, जिन्होंने उसको शिक्षा दी थी, चाहे वो सैन्य शिक्षा हो, चाहे वो विभिन्न भाषाओं की शिक्षा हो, और सैन्य शिक्षा के साथ साथ में जो लोकल प्रशासन जो प्रशासन के स्तर की जो जानकारी थी वो भी उनको दी गई थी। और जहांगीर को जो विशेष रुचि थी, जो उसके महारत उसने हासिल की, वो चित्रकला था। संभवतः जितने भी मुगल बादशाह हैं उन सारे मुगल बादशाहों में जहांगीर को चित्रकला में सर्वाधिक रुचि थी, इसलिए प्रश्न भी जहांगीर की चित्रकला से ज्यादा पूछे जाते हैं। और सैन्य के विभिन्न विभागों के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। उनका जो पहला जो विवाह हुआ था जहांगीर का, वो जयपुर के राजा जो भगवान दास थे उनकी पुत्री मानबाई से हुआ था। और सलीम का जो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो जो था वो उसी का बेटा था, खुसरो मानबाई का बेटा था। और जो दूसरा विवाह जो हुआ था जहांगीर का, वो जगत गोसाई जो थी वो राजा उदय सिंह की बेटी थी, जिनसे उनको खुर्रम पुत्र प्राप्त हुआ था। खुर्रम जो थे वो जगत गोसाई के पुत्र थे। यही खुर्रम आगे जाकर के बादशाह शाहजहां के रूप में हिंदुस्तान की बादशाहत को संभालते हैं, ग्रहण करते हैं। वो बेहद उदार प्रवृत्ति का था जहांगीर भी। उसने अकबर द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए थे, जो उदार प्रवृत्ति के कारण थे, हिंदू राजाओं के साथ जो संबंध थे और जो व्यवस्थाएं थी, जैसे अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा घरों की जो व्यवस्थाएं थी, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसने जारी रखा। ये जितने उदार प्रवृत्ति काम थे, जो दान के काम थे, उसमें कोई अवरोध नहीं आने दिया, और जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही उनको आगे भी उसने जारी रखा। एक और एक अच्छा काम जहांगीर ने किया था जिसके कारण जहांगीर जाने जाते हैं, वो उसने एक सोने की जंजीर, जो आगरा का किला था उसमें एक सोने की जंजीर लगवा दी थी, जिसको कि फरियादी कभी भी किसी भी टाइम, मतलब ये नहीं कि राजा के सोने का टाइम हो, कभी भी 24 घंटे में कभी भी आकर के फरियादी उसको बजा करके महाराज से, बादशाह जहांगीर से अपनी फरियाद कह सकता था। और इससे क्या हुआ कि वो डायरेक्ट जो है प्रजा के, जनता के कॉन्टेक्ट में आया, और राजाओं की जो जो आम जनमानस की जो समस्याएं थी वो उस तक सीधा पहुंचती थी, और उसका वो त्वरित निवारण भी करता था, इसलिए वो काफी हद तक जनता के कॉन्टेक्ट में भी रहा। जहांगीर के टाइम पर अगर आप देखें तो कुछ पारिवारिक विद्रोह भी हुए, कुछ ऐसे विद्रोह भी थे, और उसमें खुसरो का विद्रोह एक महत्वपूर्ण था, जिसको कि राजा मानसिंह ने सपोर्ट भी किया था खुसरो के विद्रोह को, परंतु ये खुसरो का विद्रोह बाद में कुचल दिया गया। और इसी में जो सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया था जहांगीर के अगेंस्ट में, तो जिससे क्रुद्ध होकर के बाद में जब विद्रोह कुचला गया तो सजा के तौर पर जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी। दो गुरुओं को सजा दी गई थी, एक को जहांगीर ने दी थी, एक को आने वाले टॉपिक में बताऊंगा
औरंगजेब ने मृत्युदंड की सजा दी थी 9 इंद्र को, और एक को अर्जुन देव जी को जो है मृत्युदंड की सजा जहांगीर ने दी थी। अकबर ने काफी हद तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया था और उसमें राजपुताना, गोंडवाना और सारे राज्यों को सम्मिलित किया गया था, काफी विस्तार किया था। इस विस्तृत साम्राज्य को बनाए रखना, सुदृढ़ रखना और इसके अलावा और साम्राज्य का विस्तार करना जहांगीर की पॉलिसी, उसको सुदृढ़ रखना भी बहुत जरूरी था और उसके अलावा भी उसने प्रयास किया। 1615 में उसने मेवाड़ के राजा जो है के साथ में राणा प्रताप के साथ युद्ध किया और फिर उनसे संधि भी कर ली थी जहांगीर। दक्षिण भारत में मलिक अंबर का विरोध था और मलिक अंबर के विरोध को भी उसने कुचला दक्षिण भारत में, और वहां भी उसने सफलतापूर्वक जो है सैन्य अभियान अपना किया और अपने कुशल सेनापतित्व का उसने परिचय भी कराया। कांगड़ा पर, हिमाचल प्रदेश में जगह है कांगड़ा, हिमाचल पहाड़ी एरिया है, उस पर भी उसने 1620 ईस्वी में कांगड़ा को विजित किया था जहांगीर ने। ये जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास जब चल रहा था उसी बीच में हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन स्टार्ट हो चुका था। 1498 में पुर्तगाली भारत में प्रवेश कर चुके थे और धीमे 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 ये अपनी कॉलोनीज बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, जिसको लोग फैक्ट्री कहते थे, जो उसको किला कहा, जिसके जो किला कहता था। फैक्ट्री का मतलब किसी कारखाने से नहीं है, फैक्ट्री का मतलब किले से, उन्होंने अपने किले बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उसके लिए वो मुगल बादशाहों से इजाजत देते थे और उन्होंने किले भी बनाए और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर व्यापार करने का भी कुछ एकाधिकार इन लोगों से लिया, मुगल बादशाहों से लिया। तो पुर्तगालियों से भी जहांगीर ने जो है संबंध स्थापित किए और उस समय उनका कॉमर्स एंड ट्रेड स्टार्ट हो गया था। जो थॉमस रो थे, विलियम हॉकिंसन थे, ये अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, ये जहांगीर के टाइम पर आए थे और उन्होंने सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री बनाने की परमिशन जो थी मुगल बादशाह जहांगीर से ले ली थी। अब आप देखिए कि जहांगीर के टाइम पर अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी और वो अभी किला या व्यापार के लिए इजाजत मांग रहे थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही जो आज इजाजत मांग रहे थे व्यापार करने की या किला बनाने की, वो हिंदुस्तान की अगली महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने हिंदुस्तान को कैप्चर भी किया। जहांगीर का एक और इम्पोर्टेंट पक्ष है कि जो उसकी पत्नी थी नूरजहां, उसने विवाह जो है नूरजहां से किया, जिसका कि वास्तविक नाम जो था मेहरुन्निसा था। और ये उसका जो पहला पति था मेहरुन्निसा का, नूरजहां का जो पहला पति था मेहरुन्निसा का, वो अली कुली बेग था। उसका नाम था अली कुली बेग, जिसने कि शेर को मारने के कारण, तो जो शाहजहां थे, सलीम जो थे, उन्होंने उसको शेर अफगन को उपाधि दी थी अली कुली बेग को, और बाद में शेर अफगन की हत्या करके उसने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसको अपनी रानी बनाया। तो ऐसे ही एक बार मतलब कि महल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप तो पूरे महल का नूर हैं, आप नूरे महल हैं। जहांगीर को लगा कि संभवतः ये नूरजहां की एक छोटी उपाधि है नूरे महल। उसने कहा कि नहीं, आप महल का नूर नहीं है, आप पूरे जहां का नूर है। तो नूरे जहां उसने कहा उसको मेहरुन्निसा को, तब से नूरजहां के नाम से ही वो जानी गई। वो नूरजहां अगर आप देखें तो रजिया के बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास बेहद शक्तिशाली, तेज दिमाग की और पूरी तरीके से ट्रेंड सशक्त मिल जाती है नूरजहां। और जहांगीर के टाइम पर अगर आप देखें तो काफी हद तक नूरजहां ने अपना प्रभाव शासन सत्ता पर और राजकाज पर स्थापित कर लिया था उसके टाइम पर नूरजहां। वह शिक्षित भी थी, दिमाग की भी बहुत तेज बुद्धि थी और धैर्यशील भी थी, परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझना जानती थी और बेहद साहसी भी थी। और साहसी होने के साथ साथ में उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो अच्छी प्रशासिका भी थी नूरजहां। इसीलिए धीमे 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 करके जो काफी हद तक शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई। और दरिया दिल भी थी वो, अकबर की भांति
उसने सैकड़ों गरीब लड़कियों का जो है विवाह कराया, लोगों को मदद की, लोगों की सहायता की, अपने पिताजी का जो है मकबरा बनवाया, अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जिससे कि वो उसके विश्वासपात्र और काफी क्लोज भी बने रहे। इस प्रकार से नूरजहां ने काफी हद तक एक गुट सा स्थापित कर लिया था जहांगीर के टाइम पर, और ये गुट उसका जो है नूरजहां गुट के नाम से जाना भी गया, कहलाया भी गया। 1626 ईस्वी में महावत खान ने विद्रोह जब किया तो महावत खान के विद्रोह के टाइम पर उसने जहांगीर को बंदी बना लिया था, और जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया तो चूंकि वो महावत खान काफी दुखी भी हो गए थे, उन्होंने जब उसको बंदी बनाया तो नूरजहां ने यहाँ अपनी दूरदर्शिता, अपने साहस, अपने रण कौशल का परिचय दिया, और उसने अपने चतुराई से, कूटनीति से जहांगीर को महावत खान की कैद से मुक्त कराया और मुक्त करा करके उसको वापस लेकर गए। इस प्रकार नूरजहां का भी काफी प्रभाव हम देखते हैं तो जहांगीर के टाइम पर वो दिखाई पड़ता है वहां पर। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उसका जो मकबरा है, मकबरे बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि अक्सर जो है कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस शासक का मकबरा कहाँ है, तो उसका लाहौर में उसका फिर मकबरा स्थापित किया गया, और इस प्रकार से उसके बाद शासन सत्ता जो है स्थापित करने के लिए अगला जो मुगल बादशाह आता है वो होता है शाहजहां। संघर्ष भी होता है, आसानी के साथ सत्ता नहीं ट्रांसफर होती थी, तो योग्यतम ही व्यक्ति आगे निकल करके आता था, और अगला जो संघर्ष होता है उसमें शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है। और 1627 से 1658 का जो कार्यकाल है वो शाहजहां का कार्यकाल है। कई इतिहास किताबों में हम देखते होंगे, पढ़ते होंगे, जिसको कहा जाता है कि मुगल साहित्य, मुगल काल का ये स्वर्णयुग भी कहलाता है, तो भी हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि ये स्वर्णयुग किस मायने में कहलाता है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त कालों का जो टाइम है वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से उसका स्वर्णयुग कहलाता है, तो ये स्थापत्य की दृष्टि से उसका स्वर्णयुग था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 है शाहजहां का, और 5 जनवरी 1592 लाहौर में जो इसका जन्म, खुर्रम, इसका बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम का जन्म हुआ, और उसकी जो माँ थी वो हिंदू थी जिसका नाम जगत गोसाई था। मैंने भी आपको बताया भी था जहांगीर के टाइम पर कि जगत गोसाई का ही पुत्र खुर्रम आगे जाकर के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1612 ईस्वी में आसफ खां की जो पुत्री होती है उसका नाम अर्जुमन बानो बेगम, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि तो यही नाम आगे जाकर के जो अर्जुमन बानो बेगम है यही मुमताज महल के नाम से जानी गई, और मुमताज महल के नाम पर जो आज महल बना हुआ है वो तो पूरी दुनिया में विख्यात है और किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसको जो विश्व के 8 आश्चर्यों में से माना जाता है, और वो है आगरा का ताजमहल, जिसको कि शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया। जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में, उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था, और वो फिर उत्तर भारत में आते हैं और सत्ता को ग्रहण करते हैं। जहां शाहजहां के टाइम पर भी काफी विद्रोहों का सामना करना पड़ा शाहजहां को भी, तो 1628-1635 ईस्वी के बीच में बुंदेलखंड का जो विद्रोह था वो चलता रहा, काफी लंबे समय तक चलता रहा, और अंततः शाहजहां उसको कुचल पाने में कामयाब होता है, और खानजहां लोधी का विद्रोह भी 1628-1631 के बीच में लड़ा। ये विद्रोह हमेशा होते रहते थे, शासन सत्ता चूंकि तलवार पर आधारित थी तो जहां भी कमजोरी मिलती थी या जब भी सर उठाता था वो थोड़ा बहुत अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करता था, उसको विद्रोह करता था। इसी बीच में मैंने आपसे भी कहा कि पुर्तगालियों का, ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, डच का, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हो चुका, आना स्टार्ट हो चुका था, और वो धीमे धीमे कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जब मौका मिलता था वो मुगल सत्ता को चुनौती भी देते थे। तो ऐसे में पुर्तगालियों के साथ भी संघर्ष शाहजहां का स्टार्ट हुआ। जब वो स्टैब्लिश हो गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अधिकार को फैलाने का प्रयास किया,
और उसमें मुगल बादशाह के साथ में फिर इन यूरोपियन देशों के लोगों का भी, जो कंपनियां थी उनका भी संघर्ष कहीं ना कहीं हुआ। बंगाल जहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बनाई थी, फैक्ट्री बनाई थी, वहाँ बंगाल में पुर्तगाली चूंकि पहले से ही व्यापार कर रहे थे और उनको बादशाह ने उन्हें नमक के व्यापार का एक अधिकार भी दिया था कि आप नमक का कार्य पूरा तरीके से आप कर सकते, उनके पास पुर्तगालियों के पास एक अधिकार था नमक के व्यापार का। परंतु बाद में धीमे धीमे करके वो उद्दंड होते चले गए, वो लूटमार भी करने लगे, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ईसाई बनाने लगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे, मौका मिलता तो बाजारों में भी लूटपाट करते थे, उसके अलावा जो है स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार वो किया करते थे। तो वो एक तरीके से मुगल सत्ता को चुनौती देने लगे, वो अपने आप को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करने लगे। तो शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनको बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया बंगाल में पुर्तगालियों को और उनको काफी हद तक पीछे कर दिया शाहजहां ने। शाहजहां ने जो साम्राज्य था उसमें विस्तार भी किया और उसमें अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में अगर हम अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, इन राज्यों में उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया वहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। साउथ की तरफ दिमाग कैसे गया? साउथ क्योंकि उत्तर भारत में जो भी आदमी विद्रोह करता था इन बादशाहों के खिलाफ, जो भी स्ट्रगल होते थे, जब वो कुचले जाते थे तो वो शरण ढूंढते थे और शरण ढूंढने के लिए वो दक्षिण भारत भाग गया करते। एक तरीके से जो है मुगलों के जो शत्रुओं को दक्षिण भारत में शरण मिल जाया करती थी। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, उसने कहा कि यहाँ तक ही साम्राज्य विस्तार कर दिया जाए, दूसरा धन और तीसरा साम्राज्यवाद और इस्लाम का प्रचार प्रसार। तो जो साउथ इंडिया का जो अभियान शाहजहां ने किया उसमें फिर सूबेदार उसने जो है औरंगजेब को बनाया साउथ को, और इसीलिए औरंगजेब का विशेष लगाव भी उत्पन्न हो गया। बाद में आप देखेंगे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति भी मुगल साम्राज्य का काफी हद तक पतन का कारण बन जाती है। तो उसने और एक कंधार, कंधार का भी अभियान शाहजहां के समय में उसको एक बार कंधार को जीता गया, जरूर जीता गया, परंतु बाद में उसे फिर खो दिया मुगल साम्राज्य। कंधार को एक बार जीता परंतु कंट्रोल नहीं कर पाया उस पर और वो उनके हाथ से जाता रहा। बाद में शाहजहां के टाइम पर अगर आप देखें तो सबसे अभी तक की जितने भी हम लोग देख रहे, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, अभी तक की उत्तराधिकार को लेकर के कोई भीषण युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन शाहजहां के टाइम पर जब शाहजहां का अंतिम समय आया तब उत्तराधिकार का युद्ध इतना ज्यादा ये विकराल रूप धारण कर लेता है, इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि इतिहास में इसको उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। अब इसमें जो मुख्य जो संघर्ष होता है वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, जो उसके जो बड़ा बेटा होता है दारा शिकोह, जिसको कि इतिहास में कई बार हम द्वितीय अकबर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वो इतना उदारवादी था और अकबर की भांति था, वो दानशील था, हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर के चलने वाला था, उसका अरबी फारसी पर संस्कृत पर बहुत अधिक गहन जानकारी भी थी। और शाहजहां स्वयं भी चाहते थे कि जो मेरा उत्तराधिकारी जो बने वो दारा शिकोह ही बने, लेकिन ऐसे में औरंगजेब का ये रहता है कि वो सर्वोत्तम ही वो बादशाह को प्राप्त करे, बादशाह बने। तो ये संघर्ष स्टार्ट होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, और इस संघर्ष में दारा शिकोह की पराजय होती है। जो उदारवादी लोग होते हैं वो सब दारा शिकोह के साथ होते हैं, जो बादशाह के साथ होते हैं वो दारा शिकोह के साथ होते हैं, लेकिन औरंगजेब जब सारे उदारवादी लोग अगर दारा के साथ में हो गए तो जो कट्टरपंथी लोग थे वो भी अपना एक मसीहा तलाश रहे, उनको लगा कि हमारा भी लगातार वो उदारवादी शासन देख रहे थे, चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति बादशाह बने जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार शासन करे और मुसलमानों को भी तवज्जो तरीफ दे। उनको इस रूप में औरंगजेब दिखाई पड़ता है और वो लोग औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं। जब औरंगजेब अब कट्टर लोगों का रहनुमा बन जाता है और इसके वो और कट्टरता बोल लेता है, क्योंकि उसके फॉलोअर जो होते हैं, जो उसके समर्थक लोग होते हैं वो कट्टर लोग होते हैं, इस्लामी लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा
जो संघर्ष होता है वो उदारवाद और कट्टरता के बीच होता है, जिसमें तारा शुकूर की मृत्यु होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फाइनली अगर आप देखें बाद में तो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। शाहजहां का मैंने भी आपसे चर्चा की थी कि हाँ जो लास्ट का जो समय है शाहजहां का वो उसका बहुत खराब गुजरता है बादशाह का, और अंतिम जब औरंगजेब सत्ता ग्रहण कर लेता है तो अंतिम का जो उसका 8 वर्ष का जो जीवन है, लास्ट के जो 8 ईयर्स हैं वो आगरा के किले का एक शाहबुर्ज बना हुआ है जिधर से ताजमहल एकदम साफ दिखाई पड़ता है। तो उस शाहबुर्ज में उनको एक बंदी की भांति जो है रख दिया जाता है, और वहां से वो सुबह शाम से ताजमहल को निहारते रहते थे, क्योंकि वो प्रिय पत्नी की मुमताज का था। मुमताज से बेहद प्यार करते थे और मुमताज भी बहुत पतिव्रता थी और वो बेहद ज्यादा जो है वो बादशाह शाहजहां को प्यार किया करते थे। उसी को दिन रात देखते रहते थे और देखते देखते उसी शाहबुर्ज में ही आगरे के किले में उनकी मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। तब उनकी उम्र लगभग 74 साल की शाहजहां की होती है। और जब वो आगरे किले में नजरबंद कैद होते हैं तब उनका जो देख रेख जो उनके जो सबसे निकट जो रहती है वो उनकी पुत्री होती है जहांआरा। अंतिम समय में जो जहांआरा थी वही शाहजहां की बेसिकली मददगार रही और उनकी सहायता करती रही और उनकी देखभाल करती रही। हमने अभी चर्चा के दौरान आपसे कहा था कि शाहजहां के युग को हम स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं पहचानते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सी बात कर ली जाए, नहीं तो शाहजहां अधूरे रह जाते हैं इसके बिना। तो शाहजहां के समय में मुगल राज्य की समानता संपन्नता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको हमको मानना पड़ेगा। वो हर दृष्टि से सिर्फ स्थापत्य की दृष्टि से ही हर दृष्टि से कर देंगे, चाहे राज्य विस्तार की दृष्टि से दक्षिण के राज्यों को अपनी अधीनता में लाने में शाहजहां काफी हद तक सफल रहा था, साम्राज्य विस्तार के तौर पर भी अगर हम देखें। साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो साहित्यिक दृष्टि से शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि सभी भाषाओं को संरक्षण प्राप्त हुआ और उनकी काफी हद तक प्रगति भी हुई थी। फारसी भाषा में अच्छे ग्रंथों की रचना इस काल में हुई थी, इसमें काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे उनकी रचना की गई थी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पाशानामा लिखा और अमीन जो काजवानी ने थे उन्होंने शाहजहां नामा की रचना की थी इसी काल में। शाहजहां का और जो बड़ा पुत्र था, मैंने अभी आपको बताया कि जो दारा शिकोह था उदार भी था, उसका बहुत हद तक अरबी फारसी संस्कृत में वो जानते थे। वो शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह वो खुद भी अरबी फारसी और संस्कृत का महान विद्वान था, उसको बहुत अच्छी उसको पकड़ थी इन सब चीजों के। साहित्य के अलावा अगर हम देखें तो शाहजहां के समय में जो ज्योतिष शास्त्र था, जो अंक गणित थी, जो बीज गणित थी और जो रेखा गणित थी, इसमें भी बहुत प्रगति हुई। सारी गणितीय जो व्यवस्था थी उसमें भी काफी हद तक बहुत प्रगति हुई। राजकीय संरक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयत्नों से भी इन सभी क्षेत्रों में शाहजहां ने प्रगति कर जो ये कर। शाहजहां के समय शाहजहां को ललित कलाओं का भी बहुत शौक था और शाहजहां को अच्छा गाना सुनने का भी बहुत शौक, और वह स्वयं भी बहुत अच्छा गाना गाता था। शाहजहां सुनता भी था और उसको स्वयं गाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। उसने सुखसेन, सूरसेन और जगन्नाथ जैसे गायकों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, ये उसके दरबार के जो बहुत प्रमुख वो थे गायक होते जो उसके दरबार में संरक्षण पाए होते। अब बेसिकली जो शाहजहां के टाइम पर जो सबसे अधिक जो उन्नति हुई वो वास्तुकला, वास्तुकला मतलब स्थापत्य, आर्क एंड आर्किटेक्चर, जो ये इमारतें दिखाई पड़ती हैं, जामा मस्जिद है आपका, लाल किला है दिल्ली का, या ताजमहल है, ये सब जो स्थापत्य के दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत मैग्निफाइड जो है ये रहा ये शाहजहां के टाइम पर। ऐसा आर्क एंड आर्किटेक्चर आपको ना पहले ना बाद में आपको देखने को मिलेगा, लाजवाब वास्तुकला पे काम किया गया। इस दृश्य जो है ये वास्तव में स्वर्णकाल था। इसमें जो मेन मेन है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते चले जाएंगे, जो दिल्ली का लाल किला है
आप दिल्ली का लाल किला देखा होगा जहाँ से हम 15 अगस्त का झंडा रोहण करते हैं, वहाँ पे 15 अगस्त वो दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली में जामा मस्जिद चांदनी चौक के पास में जो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां की बनवाई गई है। आगरे के किले में मोती मस्जिद नामी मोती मस्जिद जो मोती के समान मोती मस्जिद, दीवाने आम दीवाने खास और संसार का जो सबसे प्रसिद्ध ताजमहल, संसार का जो सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है उसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया। लाहौर के किले में भी उसने जो है दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज शीश महल नौलखा और फागा तथा काबुल कश्मीर अजमेर कंधार में भी विभिन्न प्रकार की खूबसूरत इमारतें उसने बनवाई थी। ताजमहल को संसार की सबसे सुंदरतम इमारतों में स्थान दिया जाता है जो कि उसने अपनी पत्नी मुमताज महल के स्नेह प्रेम और उसके याद में उसने बनवाया। और मोती मस्जिद का नाम उसकी सुंदरता के कारण ही मोती मस्जिद रखा है। तो आप इस प्रकार देखें तो नहरों नहरों का भी बहुत है। शाहजहां ने एक लगभग 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई थी और दूसरी नहर जो नहर साहिब जिसको कि फिरोज तुगलक ने बनवाया था उसका उसने ठीक रख रखाव ही नहीं करा वरन उसका और 60 मील और लंबा उसको करवा दिया था, 60 मील उसको और लंबा उसने करवा दिया था शाहजहां ने। और उसका नाम भी रख दिया था नहर शाह, उसका नाम रख दिया गया था नहर शाह। इस प्रकार अगर हम देखें तो शाहजहां का जो शाहजहां का समय उसका जो साम्राज्य विस्तार और शांत संपन्नता और सांस्कृतिक दृश्य अगर हम देखें तो शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल का वास्तव में स्वर्ण काल का है। इसके बाद जो शाहजहां के मृत्यु के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो शासक गद्दी पर बैठता है वो है औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा टाइम पीरियड है अकबर के बाद, जैसे कि अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक उसने हिंदुस्तान पर शासन किया। ऐसे ही औरंगजेब का जो शासन है वो 1658 से शुरू होकर के 1707 तक लगभग 49-49 साल का कार्यकाल जो है समय जो है वो औरंगजेब का। और इस प्रकार से औरंगजेब लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन करता है। 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म मुमताज के गर्भ से हुआ था। ये भी मुमताज का है, मुमताज के जन्म से गर्भ से इसका जन्म होता है। औरंगजेब की भी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया था, उसको भी अच्छी शिक्षाएं दी गई थी, चाहे वो सैनिक शिक्षा हो। सैनिक शिक्षा उस समय राजकुमारों के लिए मस्त हुआ करती थी क्योंकि उनको आगे जाकर के साम्राज्य देखना होता था, युवराज बनना होता था, सूबेदार भी बनना होता था, सैन्य संचालन भी करना होता था, सैनिक शिक्षा मस्त थी उनके लिए। उसको सैनिक शिक्षा के साथ साथ उसमें धार्मिक ग्रंथों तथा अरबी फारसी और तुर्की के साथ साथ हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, उससे सीख लिया था औरंगजेब। 18 मई 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसको कि बाद में रबिया बीबी भी कहा गया, से हुआ था। उसका पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के शासक जो थे जुझर सिंह के विरुद्ध हुआ था, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की। औरंगजेब ने जुझर सिंह को पराजित किया था। उसके पश्चात औरंगजेब ने समय समय पर दक्षिण के सूबेदारों को कई बार दो बार जो है और उसने जाके उसने पराजित किया उन्होंने को, और चाहे बल्ख हो कंधार के आक्रमण का सेनापति के रूप में भी उसने कार्य किया। और सैनिक कूटनीतिक तथा शासन प्रबंधन के दृष्टि से भी उसने काफी अनुभव उसने औरंगजेब ने जो है प्राप्त किया था। उत्तराधिकार के अवसर पर वह जब उत्तराधिकार का जो संघर्ष स्टार्ट होता है शाहजहां के टाइम पर, उस समय वो दक्षिण भारत में था और शाहजहां चाहते भी थे कि ताराशिव को बैठे, वो दक्षिण भारत पर था। वो अपने भाइयों को दक्षिण से उत्तर भारत में आता है, उत्तराधिकार के युद्ध में वो संघर्ष करता है और अपने सैन्य क्षमता का उसने कुशल नेतृत्व का उसने लाजवाब परिचय दिया उसने। और इस पूरे उत्तराधिकार संघर्ष में वो अपने भाइयों को मारकर और शाहजहां को कैद कर उसने जो है राज सिंहासन पर अपना अधिकार
कर लिया। इस प्रकार से वो गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर बैठने के बाद, चूंकि मैंने भी आपको बताया कि अभी तक जो है काफी हद तक उदारपंथी विचारधारा का प्रभाव दिखाई पड़ता था बादशाहत के ऊपर, लेकिन अब समय के साथ में औरंगजेब जब गद्दी बैठा तो थोड़ा सा बदलाव आया। औरंगजेब ने किसानों का को पूरा ध्यान रखा और व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि सभी की उन्नति का प्रति किया, क्योंकि किसानों व्यापारों के व्यापारियों पर ध्यान अगर नहीं देते तो सबसे मेन चीज है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और किसी भी साम्राज्य शासन सत्ता को चलाए बनाए रखने के लिए रेवेन्यू का होना बहुत जरूरी है। तो उसने उन सबका विशेष रूप से ध्यान रखा, किसानों का, व्यापारियों का, उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न किया, और उसके लिए उसने विभिन्न कानून भी बनाए। औरंगजेब ने सिंहासन पर बैठने के साथ ही औरंगजेब ने लगभग 80 करोड़ को समाप्त कर दिया। इसको अबवाब भी कहा जाता है, बहुत सारे जो फालतू जो टैक्स थे वो तो लगभग 80 करोड़ उसने समाप्त कर दिया। इन्हीं में से राहदारी, इसको परिवहन कर कहते हैं, आने जाने का टैक्स होता है, राहदारी कर उसने हटाया, पानदारी कर जिसको हम लोग चुंगी बोलते हैं, चुंगी टैक्स को भी उसने हटा दिया था औरंगजेब। विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय टैक्सेस थे जिन्हें अबवाब मतलब जो स्थानीय टैक्स हुआ करते थे उसको उसने काफी हद तक जो है हटा दिया था। इन करों का भार जो था वो सब जनसाधारण पर पड़ता था और इन सबसे उसने जनसाधारण को काफी हद तक मुक्त कर दिया था। यद्यपि इस इनसे जो है राज्य को करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष की आय होती थी जो कि अब बंद हो गई, पर तो जनसाधारण के लिए उसने ये कार्य उसने किया औरंगजेब। लेकिन आप जानते हैं कि ये कर वसूली काम सरकारी कर्मचारी लोग करते हैं, और उसमें पहले भी इस प्रकार का था कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें आती थी, चोरी हो जाती थी। संदेह नहीं कि स्थानीय अधिकारियों की बेईमानी के कारण इसमें से बहुत से कर सरकार के हटा लेने के बावजूद भी चलते रहे, परंतु फिर भी औरंगजेब ने एक अच्छे प्रशासन की भावना से ये सारे टैक्सेस को धीमे धीमे करके उसने हटा दिया था। परंतु औरंगजेब जो है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए, इस्लाम पर उसकी बहुत बारीक जानकारी, बहुत गहराई के साथ उसने इस्लाम को अध्ययन किया था, और अपना जो जीवन था वो काफी हद तक उसने इस्लाम की नियमावली के हिसाब से ढाल दिया। अभी मैं आगे इसमें चर्चा में बताऊंगा आपको, तो काफी हद तक उसने इस्लाम के हिसाब से अपने जीवन को ढाल दिया था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान को अपने शासन का शरीयत, कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। 1659 में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों को पुनर्स्थापित के लिए अनेक अध्यादेश जारी किए। अब जो शासन सत्ता है वो शरीयत के हिसाब से होगी। उसने काफी हद तक की उसने उसमें चेंजेस भी किए और उसको उसी हिसाब से कुरान के हिसाब से ढाल दिया। जैसे कि अगर आप देखें कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा का खुदवाना बंद कर दिया, अभी तक के सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाया था, उसने कलमा खुदवाने का काम बंद कर दिया था। अभी तक नवरोज का त्यौहार मनाया था, जिसको कि संभवतः बलबन ने स्टार्ट किया था, नवरोज का त्यौहार उसने मनाना बंद कर दिया, नवरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया गया था। तुलादान और झरोखा दर्शन भी बंद कर दिया गया था। झरोखा दर्शन राजा दिन में एक बार जो है अपने महल से आ करके खड़ा होकर के जनता को अपना झरोखा दर्शन दिया करता था, इस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। अभी तक अकबर के टाइम पे आपने देखा होगा कई बार कि हिंदू राजाओं के यहाँ उनका टीका ऐसे लगाया जाता था, और इसको उसने खिलाफ माना, इस्लाम के नियम के खिलाफ माना, और उसने हिंदू राजाओं के द्वारा अपने माथे पर टीका लगवाने की परंपरा को बंद कर दिया, जिसको कि प्रारंभ अकबर ने किया था, उसको उसने बंद कर दिया। दरबार में नाचने गाने वालों को निकाल दिया। अभी तक संगीत कला को विशेष संरक्षण भी प्राप्त था, लेकिन उसने क्या किया कि धीमे धीमे दरबार से नाचने गाने वालों को निकाल दिया गया। भांग का उत्पादन भी बंद करा दिया गया, नशे की जो वस्तु थी भांग, उसको केस का उत्पादन भी बंद कर दिया गया था, और शराब पीना और जुआ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया गया। वो खुद भी शराब पीता था, बादशाह खुद भी शराब नहीं पीता था, उसने पूरी तरीके से शराब पर भी पाबंदी लगा दी थी, भांग का भी उत्पादन बंद करा दिया, भांग पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई।
जुआ बिल्कुल एकदम से प्रोविडेंट कर दिया, जो खेलते हुए पाए जाते थे, उसका सेवन करते पाए जाते थे उच्च अधिकारी या उनके मातहत, तो उनको पनिश भी किया जाता था, सजा भी दी जाती थी, इसके लिए उसने व्यवस्था कर रखी थी। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर भी, सती प्रथा मतलब जिसका बहुत सारे बच्चे अभी जो नए जमाने के बहुत कम लोग जानते हैं, उस पर समय सती और जौहर दो प्रथाएं चला करती थी। सती मतलब जिस भी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाया करती थी, वो स्त्री अपने पति की शव के साथ इच्छा पर स्वयं भी अपने प्राण को त्याग दिया करती थी, वो सती कहलाती थी। बेहद घृणित था वो, और इसको प्रतिबंधित भी किया गया। और आगे जाके अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश टाइम पर राजा राम मोहन राय ने इसको प्रतिबंधित कराया, और सती प्रथा 1829 में कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। तो सती प्रथा पर औरंगजेब ने भी प्रतिबंध लगाया, लेकिन कितना दूरदर्शी था औरंगजेब, उस समय भी वो इस घृणित कार्य को बढ़ावा नहीं दिया, और वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए, और दरबार में होली, बसंत, दिवाली आदि त्यौहार मनाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। अभी तक जो हिंदुओं को त्यौहार थे, रीति रिवाज थे, वो मुगल बादशाह के टाइम पर अकबर ने परंपरा प्रारंभ की थी, वो मनाए जाते थे, लेकिन उस पर पूरी तरीके से उसने औरंगजेब ने उसने उस पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने बड़े बड़े नगरों में मुअत्सिब, मुअत्सिब का मतलब है जो धर्म निरीक्षक होते हैं, कि वो देखते थे कि क्या धर्म के अनुसार जो है शासन व्यवस्था प्रबंधन हो रहा है, इस्लाम की शरीयत के हिसाब से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ऐसा जैसा बादशाह चाह रहा है वैसा लागू हो रहा कि नहीं हो रहा। तो औरंगजेब ने बड़े बड़े नगरों में मुहत्सिबों को नियुक्ति की। मुहत्सिबों का कर्तव्य था कि वह देखें कि मुसलमान ठीक प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो लोग अपना उसको मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे ध्यान से देखते। उनका कर्तव्य धर्म विरोधियों तथा इस्लाम की निंदा करने वालों को दंड देना, उनको दंड भी देना मुहत्सिबों का एक काम था, इस पर वो नजर रखता था। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए औरंगजेब जो है इस्लाम के कानूनों को बिल्कुल हूबहू अक्षरशः उसको बिल्कुल मानता था, उसको फॉलो करने की कोशिश करता था और पालन करवाने की कोशिश करता था। उसकी सुन्नी जो प्रजा थी उसको जिंदा पीर के नाम से कहते थे, तथा जिंदा पीर क्यों कहा जाता था औरंगजेब को जिंदा पीर, जिंदा कट्टर सुन्नी जिंदा इसलिए कहती थी क्योंकि उसने जो इस्लामी कानून जो था उसका अच्छा सा पालन खुद भी किया और करवाया, और अपने सादे रहन सहन, सादा भोजन, रोजे रखना, नियम के अनुसार दिन में नमाज नियमित रूप से पढ़ना, और सारे उसको जीवन सादे जीवन को उसे पालन करना, तथा जीवन भर शराब ना पीने के कारण, जीवन भर उसको कोई शराब नहीं, जीवन भर शराब ना पीने के कारण उसको शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है, औरंगजेब को शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। जो उसकी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा जो थी उसके प्रति अभी तक अकबर जो था बहुत मुलायम रहा, उदारवादी रहा, लेकिन औरंगजेब उसके प्रति जो बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति औरंगजेब बहुत कठोर रहा, उसका रवैया बहुत कठोर रहा। एक आदेश के अनुसार औरंगजेब ने हिंदुओं को अपने मंदिरों की मरम्मत कराने का भी अधिकार छीन लिया, उसने जो मरम्मत होती थी उसका भी राइट उसने छीन लिया कि मरम्मत भी बादशाह के परमिशन के बिना नहीं करा सकते थे, उसका भी अधिकार उसने छीन लिया। और सूबेदारों तथा मुहत्सिबों को सभी हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रसार न कर सके। ये उसने मुहत्सिबों को आदेश दिया, सूबेदारों को आदेश दिया कि वो सब मंदिरों को अपने तोड़ देंगे, संभव तो नहीं था पूरे मंदिरों को तोड़ना, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है मंदिरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे हिंदू अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार न कर सके। या तो संभव नहीं हो सकता था कि सभी हिंदू के मंदिर और पाठशालाएं समाप्त कर दी जाए, परंतु जो मुख्य रूप से जो आज की चर्चा का विषय भी है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर, और प्रयाग के बड़े बड़े जितने मंदिर थे मुख्यतः उत्तर भारत के उसके समय में जुड़े, काफी नुकसान हुआ उस समय मंदिरों को उस टाइम पर औरंगजेब के टाइम पर, क्योंकि उसने आज्ञा जारी कर दी। अधीनस्थ हिंदू राजाओं के राज्यों में भी जहाँ पर
उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट था, जहाँ पर जो राजा उसके अंडर में थे, हिंदू राजा जो अंडर में थे, वहां भी उसने यही कार्य कराया और अनेक स्थानों पर मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई। आप देखते भी होंगे कि आप प्रमुख जो मंदिरों में जाएंगे देखेंगे जहाँ मंदिर है वहां पर आपको मस्जिद भी दिखाई पड़ती थी। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर उसने एक महत्वपूर्ण जो कर था जजिया फिर से स्थापित कर दिया। अकबर ने जजिया को हटाया था और 1679 में औरंगजेब ने जजिया को पुनः गैर मुसलमानों के ऊपर लागू कर दिया, लेकिन उसे 1704 में दक्षिण में यह कर बाद में हटाना पड़ गया था जजिया को लास्ट में औरंगजेब। औरंगजेब जो ने अकबर द्वारा आरंभ की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और यही उसके और मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए घातक सिद्ध। एक और बहुत बड़ा कारण था कि औरंगजेब को दक्षिण भारत को जीतने का बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वाकांक्षा थी कि दक्षिण भारत को किसी प्रकार से कंट्रोल में किया जाए, उसको जीता जाए। तो उसने जो दक्षिण भारत पर लगातार जो अभियान उसने जारी रखे, उसका मैक्सिमम जो समय था उसकी एज भी ज्यादा थी, 40 साल की अवस्था में वो गद्दी पे ही बैठता है और दक्षिण भारत में लगातार अभियान जारी रखने के कारण वो उत्तर भारत से दूर भी रहा, जिससे उत्तर भारत की जो स्थिति थी वो धीमे धीमे कमजोर होती चली गई। क्योंकि उस समय आज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि हम ईमेल से या यातायात के साधन इतने सुगम थे कि हम आसानी से दक्षिण उत्तर भारत के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, ये इतना संभव नहीं था। तो बहुत लंबे समय तक उत्तर भारत से बाहर रहने का उत्तर भारत की जो स्थिति जिसको कि बाबर हुमायूं अकबर ने मजबूती प्रदान की, धीमे धीमे अंदर से खोखला होने लगा, चर्चा होने लगा और उसका सारा प्रभाव दक्षिण भारत पर था, उसका सारा ध्यान दक्षिण भारत पर था। एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट भी है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का सर्वनाश कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश किया। और कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की नीतियों के चलते औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ और इसी संघर्ष को करते हुए उसकी औरंगजेब की जो मृत्यु है वो भी दक्षिण भारत में ही हो जाती है। औरंगजेब के टाइम पे विद्रोह भी बहुत सारे हुए। औरंगजेब के इस राजनीतिक सिद्धांत और धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह, जाटों के विद्रोह, सिखों के विद्रोह, सिखों का भी आप देखेंगे कि सिख लोगों ने काफी इसकी खिलाफत की, इसी कारण जो है उनके गुरु को फांसी की सजा भी दी गई। सिखों के विद्रोह भी, राजपूतों के विद्रोह और मराठों के संघर्ष के कारण राजनीति के साथ साथ धार्मिक विद्रोह, राजनीतिक कारण तो था ही लेकिन मेन चीज जो औरंगजेब ने जो कट्टरता स्थापित कर ली थी, जो मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जो जबरन इस्लाम धर्म को दीक्षित करना शुरू कर दिया था, इस कारण भी जो है अशांति का माहौल हो गया और सतनामियों, जाटों, सिखों और राजपूतों और मराठों के विद्रोह प्रारंभ हो गए थे और ये अब निरंतर संघर्ष हुए जिसके कारण स्वयं औरंगजेब असफल हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वो उत्तरदायी भी रहा, काफी हद तक जो है वो उत्तरदायी रहा। और इसी में ही उसका जो इम्पोर्टेंट था एक जो गुरु थे, उनके नौवें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर को भी उसने इस्लाम ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। संभवतः कहीं की घटना है, शायद कश्मीर के आसपास घटना थी, तो उसने लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु जी सहमत हो जाएंगे, ये ग्रहण कर लेंगे तो हम भी ग्रहण कर लेंगे, अगर गुरु तेग बहादुर ग्रहण कर लेंगे तो हम भी इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर को लाया गया और उनसे कहा गया इस्लाम ग्रहण करने के लिए, लेकिन गुरु तेग बहादुर सहमत नहीं हुए और उनको 5 दिनों तक बेहद कठोर यातनाएं और सजा दी गई। और उन 5 दिनों की यातना सहने के बाद फिर भी जब वो नहीं सहन तैयार हुए तो उनकी बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। और इसका बदला लेने के लिए जो उनके अंतिम जो उनके बेटे भी होते अंतिम जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो पूरा जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने उसमें खालसा पंथ की भी स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने और लास्ट तक वो
संघर्ष करते रहे उनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। और उन्होंने केश, कपाड़, कड़ा, कंघा, इन लोग चीज़ों को भी लागू किया और आजीवन अपने पिताजी की कत्ल को कभी भुला नहीं पाया गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने संघर्ष को जारी रखा और धीमे धीमे सिख को सैनिक में भी परिवर्तित कर दिया। सैनिक इससे पहले जो लोग थे वो सैनिक शिक्षा नहीं, सैनिक वाला जीवन नहीं जीते थे और यहाँ से उन्होंने सेना में भी तब्दील किया, शिष्य जो है कन्वर्ट इनटू सेना। एक महत्वपूर्ण जो औरंगजेब को जब पढ़ते हैं तो एक औरंगजेब को पढ़ते समय शिवाजी की चर्चा किए बिना बात पूरी नहीं होती है कि जिसको शिवाजी को औरंगजेब पहाड़ी चूहा भी कहता था और उनका जो योगदान है, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में अगर शिवाजी को देखा जाए तो इनकी चर्चा किए बिना हिंदुस्तान के इतिहास पूरा नहीं होता। बेहद कर्मठ, जुझारू, कूटनीतिक, बहुत बार आपने देखा होगा कि इन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं, सिर्फ कूटनीति का सहारा लेकर के युद्ध की दशा दिशा ही मोड़ ली। कई किले इन्होंने बिना युद्ध लड़े ही सिर्फ कूटनीति से ही जो है जीत लिए, अपने उसमें कर लिए। उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। शिवाजी जो कि मराठी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इनका जो जीवन काल है 1627 से 1680 का है। इनके इनका जो जन्म था वो 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और इनके पिताजी का जो नाम था शाहजी था और जो इनकी माता जी थी जिनका नाम संभवतः बच्चा बच्चा जानता है, जीजाबाई। कहते हैं कि जीजाबाई का बहुत ज्यादा प्रभाव वो जो था वो शिवाजी का था। बचपन से ही शिवाजी को जीजाबाई रामायण की, महाभारत की, बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी, तो बचपन से ही उनके अंदर वो सारे अच्छे गुण ट्रांसफर होते रहे। जीने मरने की कला, आर्ट, सादगी, सच्चाई, कुशल नेतृत्व, वो वीरता, साहस की जो सारी कहानियां जो सुनाई गई उनको बचपन से, उनकी जो माँ ने उनको जो शेप किया। कहते हैं कि बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो घर होता है, वो जीजाबाई ने उनको घर से उनको दिया जो ज्ञान वो उनके जीवन में बहुत काम आया। उनके जो जो गुरु जी थे, जो शिक्षक थे, जो संरक्षक थे, जो प्रशासन की जो शिक्षा जिन्होंने दी वो थे दादा भाई कोंदेव। उनको पूरी तरह वो शिक्षक भी थे और संरक्षक भी थे दादा भाई कोंदेव शिवाजी के, और उन्होंने काफी हद तक शिवाजी को शेप किया। उनके पास में पूना की, शिवाजी के पास में पूना की जागीर थी, उसमें शिवाजी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। जो जागीर थी वहीं से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी ली और वहीं से उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय भी दिया। उनकी कार्य प्रणाली, वो जो पूना की जो जागीर थी, आगे जा करके अगर आप देखें तो वही उनकी कार्य प्रणाली का आधार भी था, जहाँ जो लर्निंग्स थी उनकी, जो सीखा था उन्होंने वही उनका आधार बनी और उसी से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र जो सरकार चलाई, जो शासन सत्ता संभाली, वो उसी का ही उनका देन था। कई दुर्गों को उन्होंने जीता, 1646 ईस्वी में जो तोरना का दुर्ग है और 1653 में जो कल्याण का जो है उसपे उन्होंने अपने अपने कूटनीति के माध्यम से उन्होंने उस पर उसको जीता किया। कूटनीति में बहुत तेज थे वो, औरंगजेब के साथ उनका लगातार संघर्ष चल रहा था, भौगोलिक परिस्थितियां उनके फेवर में थी। जो महाराष्ट्र है अगर आप देखें कभी आप जाएं तो वो पठारी एरिया है, तो उसमें पठारी एरिया में जो आप ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कभी आदमी दिखाई पड़ता है, कभी आदमी छुप जाता है, तो इसलिए वो गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण उसको उन्होंने, शिवाजी ने उसका इस्तेमाल किया, गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति। गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति प्लेन में नहीं इस्तेमाल हो सकती, मैदानी एरिया में इस्तेमाल हो सकती, पानीपत के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में नहीं इस्तेमाल हो सकती, लेकिन उस भौगोलिक जो परिवेश था उसका इस्तेमाल शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति में उसका किया। जो छापामार युद्ध पद्धति थी, अचानक से आना, गुरिल्ला की जो खूबी होती है वो अचानक से आता है, अचानक से हमला करके अचानक से गायब रहता है। मैदानी एरिया में अचानक तो आप जा नहीं सकते, दिखेंगे दूर दूर तक, तो वो जो परिवेश था, भौगोलिक परिवेश था, उस वहाँ पर उनकी ये जो छापामार, गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति बड़ी काम है, उनके बहुत उसका योगदान रहा। और इसी में जो दो
सेनापति जो उसको अरेस्ट करने के लिए गए, जिन्होंने एक अफजल खां था एक शाइस्ता खां था, दोनों को, अफजल खां को बहुत दूर सेनापति माने जाते थे, और जब वो उनसे मिलने गए तो बागनक पहन करके शिवाजी गए, और उनकी जब उन्होंने धोखे से शिवाजी की हत्या करनी चाही तो शिवाजी ने बागनक से अफजल खां की हत्या कर दी। और ऐसे ही शाइस्ता खां कैंप लगा करके जब गए वहाँ हमला करने के लिए, तो बरातियों के वेश में अचानक शिवाजी ने अपने सेना के साथ उन पर हमला किया और शाइस्ता खां की उंगलियाँ जाती थी और शाइस्ता खान अपने बेटे की भी की हत्या कर दी जाती है और उसकी पराजय होती है। तो औरंगजेब की समझ में आ जाता है कि युद्ध नीति से, कूट नीति से शिवाजी को पराजित नहीं किया जा सकता है, नहीं हराया जा सकता है। तो उन्होंने राजा जयसिंह से कहा कि शिवाजी के साथ में संधि स्थापित की जाए, उनसे बात की जाए। तो राजा जयसिंह 1665 ईस्वी में उन्होंने राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि की शिवाजी के साथ में, और शिवाजी को आगरा लेकर के आए औरंगजेब के दरबार में। लेकिन जब वहां आए तो देखा कि भाई औरंगजेब ने उनसे समानता का व्यवहार नहीं किया, तो डिस्क्रिमिनेशन रखा और उनको साधारण मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये थोड़ा सा उनको नागवार गुजरता है और औरंगजेब नाराज हो जाते हैं, और शाहजहां नाराज हो जाते हैं जहांगीर शिवजी शिवाजी, और वहां से जाने लगते हैं। तो उनको कैद कर लिया जाता है, और कैद करके वहां पर उनको आगरे के जेल में रख दिया जाता है, और बड़ी चालाकी और बड़ी समझदारी और बड़ी कूटनीतिक का इस्तेमाल करते हुए शिवाजी वहां से उनको धोखा दे करके भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर अपना राज्याभिषेक करके छत्रपति शिवाजी के नाम से फिर अपना वो आजीवन संघर्ष औरंगजेब के साथ में चलता रहता है। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संघर्ष के अलावा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा इस पर ज़्यादा फोकस करना इम्पोर्टेंट है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी के जो जो अष्टप्रधान था, जो उन्होंने बनाया था अपना डिपार्टमेंट, वो अष्टप्रधान था। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री थे, वे मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था, वो हेड होते थे, हर मंत्री को डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, और वो शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले, या उनको सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बात करने थे। मतलब जैसे कोई सजेशन दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो उनकी बात को माने या रखें, और बात नहीं थी शिवाजी उसको सुनने समझने के लिए। वो अपना सजेशन देते थे अष्टप्रधान लोग, उसको सुनते थे, और जो सही लगता था उसको वो शिवाजी किया करते, वो शिवाजी की इच्छा पर निर्भर था। उनके पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लेते थे, सबसे अलग अलग डिस्कशन करते थे, आज इसकी बैठक आज इसकी बैठक। ये जो 8 प्रधान शिवाजी के सचिवों की भांति काम करते थे, जो 8 डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग, ये उनके सचिव की तरह ये लोग काम करते थे। शिवाजी द्वारा जो दिए गए जो आदेश होते थे उनका पालन करना, और उनको विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना उनका प्रमुख दायित्व था, उनका ही प्रमुख दायित्व था, उनका उनको लागू करना उनके डिपार्टमेंट का ही पूरा ये काम था, सब कुछ था। शिवाजी वास्तव में फ्रांस के शासक लुई जो था 14वां, और प्रशा के शासक फ्रेडरिक महान की बात स्वयं ही अपने प्रधानमंत्री थे, और शासक की सभी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित रखते थे। उनके इन 8 प्रधानों में पेशवा की स्थिति निसंदेह कुछ श्रेष्ठ थी, सबसे ऊपर था पेशवा, सबसे ऊपर हुआ करता था। परंतु शेष जो और लोग थे, 7 लोग थे बचे हुए, जो 7 लोग थे, तो शेष अन्य लोग थे, वो अन्य प्रधान किसी भी प्रकार के अधीन न थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था, जो 8 जो हैं उसमें, ये 8 लोग जो उत्तरदायी रहते थे वो शिवाजी के रहते थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था पहला पेशवा, जिसको बोलते थे मुख्य प्रधान, पेशवा जो था। इसका काम क्या था, इसका जो मेन काम जो था, उसका जो मेन काम था वो शासन की देखभाल करना था, शासन कैसे चल रहा है, राजा की अनुपस्थिति में उसके जितने भी कार्य होते थे उसको संपादित करने का कार्य, शिवाजी की एब्सेंस में उसको संपादित करने का काम जो था मेन रूप से वो पेशवा का ही होता था। शासन में एकरूपता रहे, एक जैसा शासन रहे, उसको भी बनाए रखने की जिम्मेदारी जो थी वो पेशवा की थी। और सारे शासन के अधिकारों अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और प्रजा के हित के लिए प्रयत्न करना, ये मेन रूप से जो काम था वो पेशवा का काम हुआ करता था। राजा के सभी आदेशों और पत्रों पर
राजा की मुहर के नीचे उसकी मुहर लगती थी, सबसे ऊपर राजा की मुहर लगती थी, फिर पेशवा की क्रॉस वेरीफाई होता था। ये जो काम था वो पेशवा काम था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि राजा की एब्सेंस में पूरे शासन व्यवस्था को चलाना एक प्रकार से वो पेशवा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। फिर अमात या मजुमदार, उसके नीचे जो दूसरा जो डिपार्टमेंट था वो अमात या मजुमदार था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करना तथा राजा को उससे अवगत कराना इसका काम था कि क्या आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, क्या हमारी सेविंग्स हो रही है, इसको लेकर के सारी चीजें बताई जाती थी। जैसे शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, चौथ लगाया था, एक सरदेशमुखी लगाया था, है ना, तो चौथ मतलब सुरक्षा दिया करते थे, सरदेशमुखी मतलब मराठा जो सर्वश्रेष्ठ है, तो सरदेशमुखी वी आर द सुप्रीम पावर, उनको उसका एक टैक्स देना पड़ता था। और चौथ मतलब कि हम आपके साम्राज्य की रक्षा करेंगे और आप पर हम आक्रमण नहीं करेंगे और आप पर संरक्षण बनाए रखेंगे हमेशा, उसका भी। तो ये सारा जो आय व्यय का जो उसका हिसाब किताब वो आमाद या मजुमदार के पास रहता था। फिर है मंत्री या वाक्यानवीस, जो तीसरा डिपार्टमेंट था वो मंत्री या वाक्यानवीस का था। राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना, मिलने जुलने वालों की देखभाल करना और राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करना, वो जो था प्रमुख कार्य था वो वाक्यानवीस का था। ये फिर आता है आपका चौथा जो डिपार्टमेंट था वो सचिव अथवा शूनवीस, सचिव सेक्रेटरी अथवा शूनवीस का था। राजा के पत्रों की भाषा शैली, राजा के पत्रों की भाषा एवं शैली को ठीक करना तथा परगनों की आय की देखभाल करना जो है वो कार्य ये वो शूनवीस का था। फिर जो पांचवा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है वो सुमंत या जो है वो तबील, सुमंत या तबील, ये पांचवा जो अष्ट प्रधान में डिपार्टमेंट था या विदेश मंत्री था, एक प्रकार से ये जो था विदेश मंत्री था। विदेशों के साथ में कैसे संबंध स्थापित किए जाएंगे, किसके साथ में कैसे कोलैबोरेशन रखा जाएगा, ये जो काम था। राजा की किससे संधि होनी है, किसके युद्ध के बारे में जो जानकारी सलाह देनी है, विदेशों के साथ जो समाचार पत्रों का जो आदान प्रदान होना है, विदेशों के जो राजा जो मिलने जुलने आ रहे हैं उनका मान सम्मान की रक्षा, विदेशी राजदूत जो थे जो हमारे राजकुमार जाते थे उनके राजदूत जो हमारे दरबार में आते थे, राजदूतों को भेजना आना, उनके कार्यों की देखभाल करना, उनका रहने का प्रबंधन करना, उनका राजा से मिलवाने का प्रबंधन करना, उनके एजेंडे पे बातचीत करना, ये सारा जो काम था वो जो था सुमंत या दबीर के साथ था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सेनापति, हर जगह सेनापति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेना की भर्ती, उसका संगठन, उसके शास्त्रों शस्त्रों और उसकी रसद की व्यवस्था करना, उसके वेतन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें जो है सेनापति का कमांडिंग इन चीफ होता था, ये सारा जो काम था वो सेनापति का हुआ करता था। फिर पंडित राव, धर्म कर्म के जो काम होते थे राजा की तरफ से, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, उनको दान देना, धार्मिक कार्यों को निश्चित करना, है ना, पाप के लिए दंड देना, धर्म के जाति जगहों को, जो धार्मिक जितने भी काम होते थे, धर्म से रिलेटेड जितने भी काम थे उसको संपादित करने का जो काम था वो पंडित राव का था। और जो आठवां जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्याय, हमारे समय में भी जुडिशरी है इस समय, तो न्याय, तो न्याय का जो कार्य था वो करने का जो काम था वो न्यायाधीश का था कि जो भी गलतियां करता था, जो अपराध करता था, उसको जो सजा देनी होती थी उसकी रिकमेंडेशन वो न्यायाधीश डिपार्टमेंट हुआ करता, न्याय डिपार्टमेंट जो हुआ था वो किया करता था। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1707 तक की यात्रा इतिहास में हम लोगों ने पूरी कर ली है, मध्यकाल को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, समाप्त कर लिया। अब अगले आगे से हम लोग जो है आधुनिक एरा में प्रवेश करेंगे और संभवतः इसके लिए ये जो लेक्चर्स हैं बहुत शॉर्ट में दिए जाते हैं, इसके लिए आप लोग अच्छी किताबें हैं, यू के नोट्स को जरूर ध्यान में रखें, उसको पढ़ें, दिल्ली हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम कारण की किताबों को जरूर आप लोग अध्ययन करें, पुस्तकों को जरूर अध्ययन करें। मैं इसी के साथ में आपसे अनुमति लेता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ, धन्यवाद।